नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। मैं अपने चैनल पर कई सारे डेली वीडियोस डालता हूं जिसे आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, पिछले दिन भी मैंने 5 वीडियो इस पे डाला था, तो आप उसे चाहे तो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन से ऐसे शेयर हैं जिसे आपको बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो 5 पैरामीटर्स बताएंगे जिसके आधार पर आप शेयर को अवॉइड कर सकते हैं। नीव फॉर इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज। इस 5 पैरामीटर्स में अगर एक भी पैरामीटर्स पे वो कंपनी खराब है तो आपको इन कंपनियों में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये पहला जो पैरामीटर है, सबसे बेहतरीन लॉस मेकिंग कंपनी। अब कंपनी इतना भी सेल्स, इतना भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है कि कंपनी वहां से प्रॉफिट अर्न कर सके, वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो या नेट प्रॉफिट हो, क्योंकि दोनों जनरेट होना काफी बेहतरीन है। तो जो लॉस मेकिंग कंपनियां है कभी भी इन्वेस्ट ना करें। लॉस मेकिंग कंपनियों के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको निगेटिव दिखेंगे। दूसरा जो बेहतरीन पैरामीटर है जिसके आधार पर आप स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं, कि जो हाई डेट टू इक्विटी रेशियो वाले स्टॉक है, मतलब जिस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा डेट है, तो उसको आप अवॉइड करें। जनरली जब डेट टू इक्विटी जो है 1 से ज्यादा होने लगे तो आप उस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा है तो मैं कभी भी इन्वेस्ट उसमें करना पसंद नहीं करता हूं। उसके बाद ROC इज लो, जिसका ROC लो है। देखिए, जिसका ROC निगेटिव है उसमें तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। अब देखिए, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो प्रॉफिटेबल भी है और कंपनी के ऊपर डेट भी कम है, लेकिन उसका ROC जो है काफी लो है, तो ऐसे स्टॉक को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। जिसका ROC बेटर है, कंसिस्टेंट है, लगातार कंसिस्टेंट रूप से मेंटेन किया है अपने ROC को, कम से कम 15% का ROC होना चाहिए, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पैरामीटर है, जो चौथा पैरामीटर है बैड मैनेजमेंट। देखिए, जो विजय कैडिया सर है उनका बहुत ही फेमस लाइन है कि जो मैनेजमेंट होता है वो ड्राइवर होता है किसी भी गाड़ी का। अब देखिए, अगर आपका ड्राइवर ही खराब है तो आप मर्सिडीज में भी जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आपका मैनेजमेंट मतलब ड्राइवर अच्छा है तो आप जो है ऑटो में भी जाएंगे तो वो भी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। इसलिए मैनेजमेंट काफी बेहतरीन होना चाहिए। और बैड मैनेजमेंट आपने कई सारे सिनेरियो देख चुके हैं, जैसे यस बैंक हो गया, आपका पीसी ज्वेलर्स हो गया, बेकरांगी हो गया, जो अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप है। तो बैड मैनेजमेंट जो स्टॉक कभी अपने हाई पर था, जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में जो स्टॉक हुआ करता था, वो स्टॉक्स आज एक पैनी शेयर बन चुका है। तो कभी भी बैड मैनेजमेंट वाले कंपनियों में इन्वेस्ट ना करें। अब देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जैसे यस बैंक क्रैश हुआ तो उसको पहले ही आप पकड़ सकते थे कि वो स्टॉक निश्चित रूप से वहां से क्रैश करने वाला, मतलब कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ है। वो पैरामीटर है नॉट जनरेटिंग फ्री कैश फ्लो। अगर कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ है, तो वैसे कंपनियों को आप अवॉइड करें। तो ये 5 पैरामीटर है जिसके आधार पे आप जो है बैड कंपनियों में अपने इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब गलत इन्वेस्टमेंट से आप बच सकते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में एक बड़े लॉस होने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।